भारत कोरोना की दूसरी लहर से करहा रहा है। हर दिन 3 लाख से ज्यादा मामले दर्ज हो रहे हैं। मौत का आंकड़ा भी हर दिन 4000 के करीब बना हुआ है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों की माने तो पिछले 24 घंटों में 3,11,170 नए कोरोना केसेज आए हैं और 4,077 लोगों की जान गई है। इसी बीच विपक्ष आरोप लगा रहा है कि कोरोना के आंकड़े सरकार छुपा रही है और कोरोना की टेस्टिंग कम कर दी है, जबकि अगर लोगों को बचाना है तो RT-PCR को बढ़ाना होगा। अभी RT-PCR को COVID-19 टेस्टिंग में गोल्ड स्टैंडर्ड माना जाता है, जबकि फेलुदा और रे टेस्ट इसके मुकाबले सस्ते हैं और नतीजे भी जल्दी देते हैं। तो आज हम आपको बता रहे हैं कि क्या है फेलुदा टेस्ट। फेलुदा का पूरा नाम एडिटर लिंक्ड यूनिफॉर्म डिटेक्शन एसे है। जानकारों की माने तो इसमें CRISPR जीन एडिटिंग तकनीक का उपयोग किया जाता है। काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च और टाटा ग्रुप के युवा वैज्ञानिकों की एक टीम ने इस टेस्ट को विकसित किया है। CSIR के अनुसार इसकी एक्यूरेसी RT-PCR टेस्ट के बराबर है। इस टेस्ट का नतीजा सिर्फ 45 मिनट में आता है, जबकि RT-PCR टेस्ट की रिपोर्ट आने में घंटों लगते हैं। इसमें कोरोना का टेस्ट एक तरह से पेपर स्ट्रिप के जरिए किया जाता है। इसमें एक पेपर स्ट्रिप होती है जो सैंपल में वायरस की मौजूदगी पर अपना रंग बदलती है। किट में 2 लाइनें होती हैं, एक कंट्रोल के लिए और दूसरी नतीजे बताने के लिए। जबकि RT-PCR के मुकाबले इसमें कोई भारी भरकम उपकरण की जरूरत नहीं पड़ती। अब हम बताते हैं कि ये कैसे विकसित की गई है। CRISPR एक जीन एडिटिंग तकनीक है। इसका इस्तेमाल जेनेटिक गड़बड़ियों का पता लगाने और बीमारियों के इलाज और उन्हें रोकने में होता है। CRISPR तकनीक के जरिए किसी जीन के भीतर DNA के खास सीक्वेंसेस को पहचाना जाता है। जानकारी के लिए बता दें, RT-PCR के उपकरण महंगे होते हैं और उसके लिए तकनीकी दक्षता की जरूरत पड़ती है, जबकि फेलुदा टेस्ट के लिए तकनीकी दक्षता की जरूरत नहीं है। PTI की रिपोर्ट की माने तो ICMR ने कहा है कि फेलुदा की टेस्ट किट 300 रुपए की आती है, जबकि RT-PCR की 100 रुपए की। मगर फेलुदा टेस्ट किट को आसानी से कहीं भी ले जाया जा सकता है, जबकि RT-PCR के लिए लैब चाहिए। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना आसान है और इसका कितना फायदा है, जबकि RT-PCR का रिजल्ट आप जानते ही हैं।